हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शुभ की दिनी। अभी बज रहा है रात सुबह के 12:30, दोपहर के 12:30, और मैं अभी व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, मौसम सुहाना इस वजह से हमने प्लान किया, हमने मतलब मैंने और शुभ ने, शुभ की आज छुट्टी है, छुट्टी मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो ऑनलाइन क्लास किया अभी जस्ट, उसका क्लास खत्म हुआ है। आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ, देखिए कितना फॉगी वेदर है ना, बाहर का पूरा फॉगी वेदर है। तो मैंने और शुभ ने सोचा है कि आज हम लोग छत पे खाना बनाएंगे। एक सब्जी मैंने सुबह बना दिया, शुभ के पापा को टिफिन दे दिया, एक सब्जी आधी रेडी करके रखी हूँ, छत पे मैं खाना बनाऊंगी, मैं और शुभ खाएंगे छोटे से गैस में, मेरा जो छोटा मिनी गैस है ना उस पर हम लोग खाना बनाएंगे। तो अभी शुभ का क्लास खत्म हो गया, नहाने चला जाएगा, मैंने नहा धो लिया है और अभी मैं पूजा करूँगी। पूजा करते करते मुझे लेट हो गया, काम बहुत था मुझे, तो कपड़े लत्ते सब धोने थे, अभी सुखाया नहीं मैंने, पहले पूजा कर लेती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ, उसके बाद फिर छत पे चलते हैं खाना बनाने के लिए। मैं आपको भी लेके चलूँगी, आपको भी खाना खिलाऊंगी मेरे साथ, मैंने क्या बनाया है। तो मैंने पूजा कर लिया है, भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ा दिया है, अभी जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए, जो कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, और शुभ से मिला देती हूँ। चद्दर ओढ़ लिया, बंद करो टीवी, चद्दर ओढ़ लिया, ये रहा। गाइस को हेलो, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो मुँह क्यों नहीं दिखा रहे हो, नहाए नहीं करके, गंदा बच्चा नहाया नहीं है, रजाई ओढ़ के बैठा हुआ है, खिड़की में खोल नहीं पा रही हूँ, तो क्लास चल रही थी इसलिए तुमको मुँह ढकना है। नहाया नहीं है, खिड़की बंद है, खिड़की अगर मैं जरा से भी खुली रखती हूँ ना, कांच खोल देती हूँ ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, तो इसलिए मैंने कांच बंद कर दिया है। इधर वॉशरूम में गर्म पानी, गीजर मैंने ऑन कर दिया है, बटन ऑन है देखिए, और पानी गिर रहा है, पानी ना भरने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको भरने देते हैं और इस पानी से वो नहाएगा। फिलहाल तो पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने टमाटर का पौधा लगाया था, जिसमें टमाटर लगे हुए हैं, और टमाटर की वजह से ना पौधा पूरा बेंड हो गया, तो इसको कुछ सपोर्ट दे देते हैं। तो ये वाला रॉड है जो कि सोलर लाइट, सोलर से ये लाइटें जलती है, ये वाली लाइटें, तो इसको ना सपोर्ट के लिए यहाँ लगा देते हैं। कुछ हो गया, चलिए नीचे चलते हैं, पहले चावल ऑन धो के कुकर में फिट करके उसके बाद फिर ऊपर ले जाते हैं। ये मैंने आधी सब्जी बना के रखी, इसको और थोड़ा सा इसका पानी सुखाएंगे, कुंदरू आलू की सब्जी जो कि शुभ को बहुत पसंद है। और अब मैं चावल धोऊंगी, बर्तन मैंने समेटे नहीं, अभी समेट दूंगी, चावल को धोऊंगी और इसी कुकर में पानी वानी डाल के सब एक साथ में डाल के मैं ऊपर ले जाऊंगी। ऊपर आ गया पर धूप निकल आई है, फिर भी सोचा कि जब प्लान किया है सारा सामान, ये मैं ले आई हूँ, ये है मेरा छोटा सा सिलेंडर, आपने पहले भी दिखा होगा, इसके अंदर है गैस, चावल, सब्जी, एक और सब्जी रखी हुई है, कहाँ मैंने प्लेट रखा, अच्छा हाँ, इसको गर्म किया है छौंक के लिए मैंने, ये सब लाया है, ये है कलौंजी, ये है बंगाली में राधुनी बोलते हैं, पता नहीं आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हो, इसमें मैंने नमक लाया है डब्बे में भर के, लहसुन कूट के लाई हूँ और सूखी लाल मिर्च, और ये रही सब्जी, चावल के लिए चम्मच, सब्जी के लिए चम्मच। तो अभी वहाँ पर गैस बिठा देते हैं क्योंकि मुझे लगा कि मौसम ऐसे ही रहेगा अच्छा ठंडा ठंडा, पर धूप निकल आई है, जब प्लान बनाया था ना तभी आना था, तब तब कुछ हुआ नहीं था ना इसीलिए, तो यहाँ पे बैठा देते हैं, करेगा गैस को फिट, सिलेंडर फिट कर दिया है, गैस की स्मेल आ रही है, अब ये सबको खोल दिया है, राइस कुकर मैं ले आती हूँ राइस कुकर को। यहाँ पे हमने चटाई बिछा दिया है, दरी बिछा दिया है, अब सबसे पहले बिठा देती हूँ चावल को, है ना, क्योंकि गैस खुलने में टाइम लगता है ना, इसीलिए चावल को पहले पानी वानी डाल के सब मैं आई हूँ, इसके अंदर ना हरी मिर्च डाली हूँ, तो उबले हुए चावल के अंदर हरी मिर्च मज़ा आएगा। गैस कर दिया है ऑन, अब दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी ना, कैसा लग रहा, मज़ा आ रहा है ना, तो हम लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ में इंजॉय कर लेते हैं। शुभ के पापा के लिए पॉसिबल नहीं है ऑफिस से घर पे आना, मैंने उनको कॉल किया था, मैंने उनको बोला था कि आ जाओ घर पे, पर उनके लिए पॉसिबल नहीं आना ना, इसलिए वो नहीं आ पाए, मेरी मंथन है वो, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि मिनी क्लोजिंग है करके, तो हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में ना इंजॉयमेंट खोजने की कोशिश करते हैं, और हम लोग इंजॉय करते भी हैं। शाम को एक जगह जाएंगे, अभी आपको पता है कि राम जी विराजमान होने वाले हैं अपने मंदिर में अयोध्या में, तो हर कोई अयोध्या में तो जा नहीं सकता है, अभी परमिशन है नहीं, बोलते हैं हमारे इधर भी राम मंदिर है, हाँ हमारे तो यहाँ भी राम मंदिर है, हाँ। उधर अगर हम लोग जाएंगे तो उधर बहुत ज्यादा ही भीड़ होगा, देखते हैं डिपेंड्स ऑन टाइम की जा पाएंगे कि नहीं। और मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ऊपर भी टमाटर का पौधा लगाया है, ये देखिए मैंने टमाटर का पौधा लगाया, उसमें एक टमाटर बस लगा है, देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सपोर्ट के लिए ना एक ये लकड़ी को
यहाँ पे गाड़ दिया, साथ में रस्सी बांध दिया है, अंदर से बाहर से रस्सी को बांधा है, लकड़ी के तीन लकड़ी गाड़ी है यहाँ पे मैंने, है ना, और बाहर से बांध दिया ताकि इन लोगों को सपोर्ट मिले, और अच्छा सपोर्ट मिल गया है। यहाँ पे मैंने मेथी बो के रखे थे जो कि छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, ये देखिए छोटे छोटे, ये दिख रहा है आपको, ये सब निकल आए हैं। यहाँ पे मिर्ची का पौधा है, यहाँ प्याज की कली है, और यहाँ करेला मैंने बो के रखा है, लहसुन की कलियाँ लगा दी है। यहाँ पे मेरा कौन सा ड्रैगन फ्रूट का यहाँ पे लगा हुआ है, और ये रहे आलू के, आलू मैंने यहाँ पे बो के रख दिए, जैसे आलू में छोटे छोटे अंकुर फूटते हैं ना, तो छिलका काट के मैंने यहाँ लगा दिया है। सिटी आने वाली है, सही है सही है। और यहाँ पे मैंने करेला का बीज बो दिया था, जो कि इतना बड़ा बड़ा पौधा निकल आया, तो सपोर्ट के लिए ना मैंने ये चीज़ बांध दिया है, और यहाँ से सपोर्ट लेके ये बेल सिटी आ गई, वाह। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये बेल इसके साथ में रस्सियों के साथ में सपोर्ट लेके ना इस पे चढ़ेगी, नहीं पानी ज़्यादा नहीं हुआ, और इसके ऊपर ना ये जो बम्बू है ना, ये मैं सपोर्ट के लिए दे दूँगी, हमारे दीवार और बगल वाली आंटी के दीवार के बीच में से ना सपोर्ट दे दूँगी, तो इनको सपोर्ट मिल जाएगा, नहीं गिरेगी लकड़ियाँ। और यहाँ पे भी मैंने करेला का बीज बो दिया, यहाँ ना मैंने कुमड़ा का बीज बोया है, तो देखिए इसके भी, इसका भी छोटा सा पौधा निकल आया है। और यहाँ पे मैंने टमाटर का छोटा पौधा और बीज मैंने डाल दिए थे, और छोटे छोटे पौधे आए हैं, छोटा मोटा एक मेरा किचन गार्डन हो गया। तो मैं इसको कोशिश करूँगी और आगे बढ़ाने की, यहाँ पे मैं और धनिया बोऊँगी, और एक चीज़ मैंने यहाँ ना ज़ुकीनी बोया है, ये सिटी आ गई। चलो सब्जी के गैस को उतार देते हैं, मतलब कुकर को उतार देते हैं, और इस पे बिठाते हैं ये वाली सब्जी, और थोड़ी गर्म कर देते हैं, उसके बाद फिर छौंक लगाएंगे ये तड़के वाले पैन में। चढ़ा दिया है, ये एक सिलेंडर है, एक और ये सिलेंडर है, हम लोग न्यू ईयर में गए थे ना, तो ये सिलेंडर यूज़ किए थे, वहाँ मैंने खाना बनाया था, वो ये सिलेंडर ना ख़त्म होने पे आई है, अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए ये दूसरी मैं ले आई हूँ। एक्चुअली शुभ के पापा ने चार सिलेंडर मंगाया है, तो एक वो ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी लगा दूँगी, मेरे को नहीं लगता ये सिलेंडर ख़त्म होगी। तो अभी इस पर छौंक लगा लेते हैं, ये मैंने तड़का पैन बिठा दिया है, पैन ज़्यादा गर्म हो गया, मैं ना तेल लाना भूल गई थी, हाँ अब जाके तेल ले आई हूँ, और तेल डाल दिया मैंने, अब इसको लगाएंगे छौंक। आपको दिख ही रहा होगा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैं कढ़ाई को नीचे उतार ली हूँ तड़का पैन को, और इसमें छौंक लगाऊंगी, जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे वो मसाले, साथ में लहसुन, ये सब मैंने तड़का मार दिया है, अब सब्जी में डाल देंगे। देख लिया आपने, मैंने तड़का मार दिया, आपको आवाज़ आ रही होगी ना, क्योंकि उधर से ना हवा बहुत है उल्टे साइड से, इसीलिए गैस की आवाज़ आ रही है, आग की। तो मैंने तड़का लगा दिया है, अब सब्जी को और थोड़ी देर उबलने देते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी सूखने देते हैं, उसके बाद फिर खाना खा लेते हैं गर्मा गर्म। तो देखिए मैंने चावल के अंदर मिर्ची डाल दिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, अरोमा बहुत अच्छा, आप भी डाल के देखिए मिर्ची में थोड़ा सा चीरा मार के फिर चावल के अंदर डालो ना, और खुशबू इतनी अच्छी आती है, जैसे ढक्कन खोलते हो और खाने में और अच्छा लगता है। इसको घी के साथ, नमक के साथ मसल के खा लो ना, उसी में खाना हो जाएगा आपका। गुड इवनिंग गाइस, अभी है 6 बज रहे हैं, और खाना खाने के बाद एकदम इतनी मदहोश हो गई थी मैं कि मुझे नींद ही आ गई, मैं सो गई, और सोचा था कि थोड़ा सा बाहर जाएंगे, मैंने आपको बताया ना कि रायपुर कैसा सजा है देखने के लिए, और हो ही नहीं पाया, और अभी अंधेरा है, अंधेरे में क्या देखूं, मन नहीं कर रहा है, फिर भी एक बार जब प्लान बना लिया तो सोचा चले जाएंगे, क्योंकि शुभ के पापा आ रहे हैं देर से, तो देखते हैं। अभी शुभ खेलने गया है छत पे ऊपर, धूमधाम ये लोग खेल रहे हैं, और मैं बहुत सोई, पता नहीं किस नशे में थी, और इतना सोई 2-3 घंटे मैं सो गई ऐसे दोपहर में मैं कभी नहीं सोती, और थोड़ा ना मेरे बैक में पेन है, पेन मतलब स्टिफनेस है एकदम, मतलब अकड़न है, अकड़न इसलिए है कि रात में ना मुझे एक ही करवट में सोना पड़ा, इसलिए सोना पड़ा, शुभ बीच में सोता है तो वो सो रहा था और पूरी मेरे तरफ आ गया, मेरे को जगह नहीं मिली, और करते रहा, आवाज कर रहा था अजीब वगैरह, फिर मैंने उसको डांट दिया कि मैं ना नीचे सुला दूंगी तुझे, और हम दोनों ही सोएंगे मैं और पापा, जैसे मैंने डांटा ना उसके बाद फिर शांत हो गया, मतलब जैसे ही वो कूका करने लगता है मैं उठ जाती हूँ, उसके पापा उठ जाते, फिर वो मेरे तरफ आके सोता है, तो मुझे जगह बिल्कुल नहीं मिली, एक ही करवट में सोना पड़ा, तो सुबह से ही मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है, तो शुभ के पापा ने मालिश कर दिया था, अभी फिर जब आएंगे रात में तो एक बार और स्प्रे करने बोल दूंगी, या फिर मैं अकेले कर लूंगी, उसके बाद फिर सो जाएंगे, क्योंकि बहुत 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 दर्द हो रहा है, मतलब ना बैठ पा रही हूँ ना लेट पा रही हूँ, इतना अकड़न है बहुत ज़्यादा, तो शायद थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो ठीक लगेगा, जैसे ही शुभ नीचे आता है उसके उसको पूछते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं।
तो जी गाइज अभी बज रहे हैं 7, हाँ 7 बज रहे हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं। मन बना लिया क्योंकि मन नहीं कर रहा था बाहर निकलने का। चुप खेल के आया तो मैंने उसको पूछा, बोलता है अगर मन नहीं करता है मम्मी रहने दो, तो मैंने कहा चले जाते चुपके, पापा तो लेट आएंगे जैसे मैंने आपको बताया क्लोजिंग निपटा के, तो घर बैठ के क्या ही करे। और क्लास चल रही थी उसकी, तो क्लास में पढ़ ही लिया इसलिए मैंने उतना फोर्स नहीं किया उसको। वैसे पढ़ाना था, अगले महीने ही एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं कल पढ़ा लेंगे। तो अभी निकलते हैं थोड़ी देर के लिए मरीन ड्राइव की ओर, 1 घंटे में फिर वापस आ जाएंगे और जाके थोड़ा सा चिल आउट करके आते हैं। चलिए चलते हैं। तो मैंने पूरा पैक कर लिया अपने आप को क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, इसीलिए मैंने पैक कर लिया। ये रहा शुभ, तो चलो चलते हैं, चलें चलो चलिए। सो गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मरीन ड्राइव जा रहे हैं ना। तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में आ भी जाएंगे क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, वैसे भी हम लोग थोड़ा लेट से ही निकले हैं। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ते में क्या चल रहा है। ये देखो गाइस कितना बड़ा झंडा है, हम लोग भी लेके जाएंगे और घर पे लगाएंगे। हाँ यार मरीन ड्राइव थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे, शुभ को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे फिर निकल जाएंगे घर की ओर। करीब 1 घंटा बैठने के बाद हम लोग वहाँ से निकल आए हैं और अभी जा रहे हैं घर की ओर, और कहीं घूमने नहीं गए हैं, बस वहीं बैठे हुए थे। अब जाते समय दिखा दुकान में झंडा, तो वापसी में सोचा ले लेंगे, तो अभी झंडा लेके हम लोग घर की ओर निकलेंगे और कल सुबह इस झंडे को फिर हमारे छत पे लगाएंगे। तो जी गाइस आपको दिख ही रहा होगा 12:15 बज रहा है, शुभ के पापा आ गए हैं, ये रहे और ये रहा शुभ, सो रहा है, सो गया है। तो अभी अब रेस्ट कर लेते हैं, सोने चले जाते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।